ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चक्रवाती तूफान मिकजॉम से जुड़ी। चेन्नई में तूफान के असर की वजह से हो रही भारी बारिश से वहां 5 लोगों की मौत हो गई। बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान आने वाले कुछ घंटों के बाद आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके से टकराएगा और इस ताकतवर तूफान के टकराने की वजह से वहां भारी तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश में दस्तक देने से पहले ही इस तूफान ने चेन्नई में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। तूफान की वजह से समंदर का पानी चेन्नई के कई इलाकों में घुस गया और इस वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। समंदर का पानी घुसने से हाउसिंग सोसाइटी के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती दिखाई दी। सड़कों पर बहते सैलाब को देखकर इलाके के लोग बुरी तरह सहम गए। सिर्फ चेन्नई ही नहीं बल्कि उसके आसपास के कई जिलों में भी तूफान के असर से पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान धीरे धीरे ज्यादा भयानक और खतरनाक होता जा रहा है, यानी जब ये आंध्र प्रदेश पहुंचेगा तब तक ये बेहद खतरनाक और ताकतवर हो चुका होगा और इसीलिए आंध्र प्रदेश में बड़ी तबाही की आशंका जताई जा रही है। इस चक्रवाती तूफान के मंगलवार को दोपहर आंध्र प्रदेश के नेल्लूर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की आशंका जताई गई, मतलब कुछ ही घंटों बाद मिकजॉम तूफान आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे सकता है और इसकी वजह से वहां ऐसी तबाही मच सकती है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। मिकजॉम तूफान के दस्तक देते ही दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हालात पटरी से उतर सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की तरफ से जैसे जैसे ये तूफान आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। मतलब आगे बढ़ने के साथ साथ ये तूफान और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता जा रहा है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तूफानी हवाओं के साथ मिकजॉम के असर से वहां तबाही लाने वाली भयानक बारिश हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में सैलाब आने से सब कुछ तबाह हो सकता है। हालांकि इस वक्त मिकजॉम तूफान आंध्र प्रदेश से कई किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके बाद भी समंदर से लगने वाले राज्य के कई इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो चुका है और उन इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन तटीय इलाकों से टकराने से पहले ही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के कई जिलों में मिकजॉम तूफान ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से कई इलाकों के हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। लेकिन चेन्नई शहर के हालात तो सबसे ज्यादा डरावने और भयावह हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि उन तस्वीरों में समंदर की उफनती लहरें शहर के अंदर दाखिल होती दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर पूरे शहर को ही निगल जाएगा। मतलब मिकजॉम तूफान के दस्तक देने से पहले मानो पूरा चेन्नई शहर समंदर और बारिश के पानी में डूब गया और वहां न सिर्फ आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरस रही है बल्कि तूफान के असर की वजह से समंदर भी अपने रौद्र रूप में। समंदर का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में समंदर का पानी घुसने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। शहर में हर तरफ पानी ने डेरा जमा लिया है। सड़क, सबवे और रनवे समेत तमाम जगह पानी से लबालब है। लेकिन हालात तब बिगड़ने शुरू हो गए जब मिकजॉम तूफान के असर की वजह से चेन्नई के कुछ इलाकों में समंदर की उफनती लहरें घुस गई। इस घटना के बाद तो वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि समंदर की इन लहरों के आगे जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। समंदर की उफनती लहरें अपने सामने आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाने पर आमादा दिखी। चेन्नई शहर के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में समंदर की लहरें उस इलाके में घुसती नजर आई। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सुनामी आ गई। शहर के जिस इलाके में समंदर का पानी दाखिल हुआ वहां आसपास कई हाउसिंग सोसाइटियां दिखाई दी। सड़कों पर एक के पीछे एक कई गाड़ियां भी नजर आईं, जो समंदर से आए पानी के तेज बहाव में कागज की कश्ती की तरह बहती दिखी। समंदर की लहरों ने वहां ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर इलाके के लोग खौफ से भर गए। इस दौरान वहां तूफान मिकजॉम के असर की वजह से बारिश होती रही और तेज हवाएं चलती रही। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर खड़ी लाल और सफेद रंग की कुछ कारें पानी की तेज धार में बहती नजर आईं। लेकिन लोगों की सांसें तब अटक गईं जब चेन्नई शहर की सड़कों पर मगरमच्छ घूमते नजर आए। मिकजॉम तूफान की वजह से वहां बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से सड़कों पर मगरमच्छ घूमने शुरू हो गए। यानी चेन्नई शहर के लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि तूफान, बारिश और सैलाब के बाद अब सड़क पर मगरमच्छ को घूमते देखा गया और इसकी वजह से उस पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें रात के अंधेरे में एक मगरमच्छ सड़क पार करता नजर आया।
जिस वक्त मगरमच्छ को सड़क पर देखा गया उस दौरान वहां से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों को सड़क पर मगरमच्छ दिखा वो रुक गए। एक कार के अंदर से बनाए गए इस वीडियो में सड़क से एक स्कूटर सवार गुजरता दिखाई दिया जो मगरमच्छ के सड़क पार करते ही वहां से निकल गया। जिस सड़क पर मगरमच्छ नजर आया वो वहां मौजूद चिड़ियाघर के ठीक पीछे है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से मगरमच्छ बाहर आ गया होगा। लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चेन्नई के हालात पटरी से उतर गए। तूफान मिकजॉम के असर की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया। इसकी वजह से 33 विमानों को चेन्नई से दूसरी जगहों के लिए मोड़ दिया गया, क्योंकि आसमान से बरस रही आफत ने चेन्नई एयरपोर्ट की हालत खराब कर दी। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर चुका है और इसकी वजह से विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में इंडिगो का एक विमान रनवे पर खड़ा दिखाई दिया और वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे विमान को इमरजेंसी के बाद किसी नदी में उतार दिया गया हो। बताया गया कि चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने से वहां खड़े विमानों के पहिए तक डूब चुके हैं। इसी वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर आने वाली 33 उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट के लिए मोड़ दिया गया। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए वहां 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे विमानों में सफर करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और तूफान मिकजॉम के असर की वजह से हो रही मूसलाधार बारिश से चेन्नई शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है। पानी भरने की वजह से कुछ इलाके तो टापू में तब्दील हो गए, लेकिन समंदर के किनारे मौजूद इलाकों का हाल और भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि समंदर का पानी आने से कुछ इलाके डूब गए। वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी से जो तस्वीर सामने आई उसमें बिल्डिंग के बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। इसी तरह की डरावनी तस्वीरें चेन्नई के अलग अलग इलाकों से आई। वहां से आई एक तस्वीर में पानी से भरी एक सड़क पर कुछ लोग बंद हो चुकी एक बस को धक्का देते दिखे। शहर के एक दूसरे इलाके से आए एक वीडियो में सड़क पर बारिश का पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है और इस वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। चेन्नई में मिकजॉम तूफान का असर दिखाना शुरू हो गया है। यहाँ आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। रेल की पटरियों पर भी बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया और उसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। खबर है कि भारी बारिश और पटरियों के डूबने से वहाँ चलने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गयी। लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठे मिकजॉम तूफान की वजह से चेन्नई में नहीं बल्कि तमिलनाडु के कई दूसरे जिलों में भी भयानक बारिश हो रही है और इसकी वजह से वहां भी हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश से निचले इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं। मतलब चेन्नई के अलावा आसपास के कई जिलों में मिकजॉम तूफान ने कोहराम मचा रखा है। तमिलनाडु के जिन जिलों में तूफान की वजह से बारिश हो रही है उनमें पहला नाम चेन्नई है। इसके अलावा चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, नागपट्टिनम, कुडलोर और तिरुवल्लूर में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश के साथ साथ तूफानी हवाओं ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इसी वजह से प्रशासन ने इन जिलों में लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। इसके अलावा कुछ जिलों में प्रशासन ने सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्राइवेट कंपनियों को घर से काम करने की सुविधा देने के निर्देश दे दिए और तो और किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए NDRF और SDRF की कई टीमों को तैनात कर दिया गया, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके, क्योंकि मौसम विभाग ने चेन्नई और उसके आसपास के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। जबकि मिकजॉम तूफान के असर की वजह से पिछले कुछ दिनों से चेन्नई समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए एक बार फिर तमिलनाडु के इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा मिकजॉम तूफान मंगलवार दोपहर तक दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से टकराएगा। इस दौरान वो चेन्नई और दूसरे कई जिलों के पास से होकर गुजरेगा। हालांकि इस वक्त ये तूफान चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जैसे जैसे ये पास आता जाएगा इसका असर भी बढ़ता जाएगा। इसी वजह से मौसम विभाग ने चेन्नई और उसके आसपास के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी कर दी। आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश होने से चेन्नई के हालात और भी बुरे हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस मुसीबत से निपटने के लिए NDRF और SDRF के साथ सेना को भी उतार दिया है, ताकि हालात बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके। लेकिन डराने वाली बात यह है कि मिकजॉम तूफान की वजह से समंदर का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समंदर में पानी का स्तर 5 फीट तक बढ़ चुका है और इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि इस शहर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
क्योंकि अगर मिकजॉम तूफान के गुजरने तक समंदर का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर उसका पानी महाबलीपुरम में घुस जाएगा और उस वजह से वहां भयानक तबाही मच सकती है। समंदर का पानी शहर में घुसने का मतलब एक तरह की सुनामी से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर समंदर की लहरों के आगे जो कुछ भी आएगा तबाह हो जाएगा। लेकिन परेशानी यह है कि सिर्फ महाबलीपुरम ही नहीं बल्कि कई दूसरे शहरों में भी समंदर का स्तर करीब 5 फीट तक बढ़ चुका है। इसी वजह से इन शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मछुआरों और पर्यटकों के समंदर के किनारे पर जाने पर पाबंदी लगाई गई और तो और मौसम विभाग ने अगले कई घंटों के लिए इन इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। और खबर है कि हालात बिगड़ने के बाद चेन्नई के कुछ इलाकों में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, क्योंकि मिकजॉम तूफान के असर की वजह से हो रही बारिश से चेन्नई के हालात बेहद खराब हो चुके हैं और शहर के कुछ इलाकों में तो बारिश का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग वहां फंस गए। इसके बाद लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें नाव की मदद से जवान लोगों को घरों से निकालते और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाते नजर आए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में सेना के जवान खुदाई करने वाली मशीन की मदद से भी लोगों को रेस्क्यू करते दिखे। इस दौरान कई जवान सड़क पर कमर तक भरे पानी में उतर कर लोगों को बचाने की कोशिश करते नजर आए। भारी बारिश की वजह से उन इलाकों में मौजूद घर आधे पानी में डूब चुके थे। ऐसे में सेना ने नाव के सहारे लोगों को घरों से निकाला और सेना की गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर ले गए।